तो फाइनली गाइस अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं संभक से, जा रहे हैं मॉल पे और वहाँ पे मज़ीद जो जो लेटेस्ट न्यूज़ होती है फिर वो आपको बताते हैं और वहाँ का नज़ारा भी आपको दिखाते हैं। A few moments later. Hello guys, तो कैसे आप लोग भाई हो, क्या आप सब ठीक होंगे? जैसे कि मैंने आपको बताया होगा कि मैं जा रहा हूँ मॉल पे, तो फाइनली मैं रात को मॉल पे पहुँच गया था, लेकिन रात को बहुत ही अंधेरा था और यहाँ पे लाइटिंग का भी बहुत इश्यू चल रहा है, तो मैं मोबाइल चलाने का सो गया था। अभी जैसे उठे फ्रेश वगैरह के नाश्ता किया, अभी जा रहे हैं किसी पार्क की साइड स्विमिंग पूल में जा रहे हैं। अच्छा, वैसे ही वाटर पार्क की तरह एक स्विमिंग पूल है वहाँ पे, हम मालूम है तेरे बाप को, वहाँ पे जा रहे हैं और मेरे साथ दोस्त है, ये लकी है और ये आकाश है और ये सुमित है मेरे साथ, चारों दोस्त साथ में अभी जाते हैं, फिर वहाँ पे जैसे भी व्यू है आपको व्यू करवाते हैं, मिलते हैं वहाँ पे पहुँच यार। तो अभी हम निकले थे घूमने के लिए, अभी हम यहाँ पे आके रास्ता भूल गए, मैंने लकी को उतार दिया, मैंने बोला मैं खुद ड्राइविंग करता हूँ, लेकिन मैं खुद भी भूल गया, पता नहीं कहाँ पे आ गए। सब क्या देखना पड़ रहा है, अच्छा है मैं अंधा हूँ। इस तरफ दिखाओ आपको, ये सारा जंगल ही जंगल है, अभी पता नहीं घर भी पहुंचेंगे या नहीं। अभी पीछे जब पीछे जब जैसे आए वो भी रास्ता भूल गए। भाई हम आए से बिस्की बजाते थे, इसने बोला मुझे रास्ता पता है, अभी पहुंच गया, रास्ता यही है, लेकिन इसको पता कुछ भी नहीं है, इसको लेकिन पता कुछ भी नहीं है। अजय अभी आपको लगता है हम घर पहुंचेंगे? नहीं, मजे की बात ये जो हमें लेके आया था ना वो खुद भी रास्ता भूल गया है, ठीक है, भूल गया, लेकिन अभी वो बोला कि यही है यही है, लेकिन मैं अपने अंदाजे पे आया हूँ, ठीक है। और मजे की दूसरी बात ये बताने लगे कि यार यहाँ पे नेटवर्क भी नहीं है कि बंदा किसी को फोन भी करे, अभी बस सलाह के आसरे पे चल रहे हैं, मालिक पहुँचाएंगे। रास्ता अभी हो गया थोड़ा बहुत, मतलब दिखाई में आ रहा है कि रास्ता दिख रहा है कुछ कुछ, अब कुछ कुछ आ रहा है, मतलब कि याद आ रहा है कि ये था यहाँ पर जब, ठीक है। जैसे ही फिर रास्ता मिल जाते हैं तो फिर मिलते हैं पोई वाल की तरह। अबे साले जब माफ कर, पहले हम घर तो पहुँचेंगे। हाँ घर पहुँचेंगे। ओ भाई साहब, जैसे कि मैं आपको बताऊँ, मैंने ये देखा कि इतना बड़ा पुल, आप भी देखोगे यकीन ही नहीं करोगे, अभी मैं इसमें तैर के भी कहाँ तैरूं, लो इतना बड़ा पुल यहाँ से स्टार्ट हो रहा है वहाँ तक, ये खास करके हम घूमने आए थे यहाँ पे इन दोनों को फ्रेश करवाने के लिए, इसको 10-10 दिनों से ये नहाते नहीं है घर पे। आका आपका क्या कहना है? शुक्र अभी हम पहुँच गए, सही समय पहुँच गए, तो लेकिन यशु भाई ने ड्राइविंग की तो फिर यशु भाई को थोड़ा बहुत कुछ पता था, तो शुक्र है। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? लकी के आश्रय तो हम यहाँ पे पहुँच ही नहीं पाते, लेकिन मैं ये पुल देख के कंफ्यूज हो रहा हूँ, इतना बड़ा पुल और यहाँ से सीढ़ियाँ भी बनी हुई है, देखो अभी तो पुल मतलब के इतना बड़ा पुल, अभी मैं यहाँ से दिल कर रहा है जाऊँ और वहाँ से निकलूँ। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। वाली गाइस, तो अभी लकी गए वो पानी भरने के लिए, बोलते हैं गाड़ी में थोड़ी सर्विस कर दूँ, बहुत ही मिट्टी मिट्टी हो गई है, तो वो पानी भर के आता है, ये गाड़ी सर्विस करेगा, देखते हैं। और मेरा तो मूड कर रहा है मैं इसमें फ्रेश हो जाऊं, लेकिन मैं कपड़े वगैरह नहीं लाया एक्सचेंज करने के लिए, इसलिए मैं फ्रेश नहीं हो रहा, और ये होते हैं फिर देखते हैं। अभी सुमित चला गया अंदर पानी में, इसने ऐसी गलाटी लगाई, मैंने बोला रुको रुको, रुक ही नहीं पाया। सुमित बाहर आओ, फिर से एक बार फिर से अंदर आओ। अरे मैं जाऊं? अभी हमारे दोस्त आका भी जा रहे हैं, आका तुम जाओ, दे चला, ये भी गया, राम भी गया, शाम भी गया, बचा कौन? यशु, वो नहीं जाएगा। मैं भी काफ़ी दफ़ा आया हूँ मॉल, काफ़ी दफ़ा आया हूँ, तकरीबन याद भी नहीं कितनी बार मैं मॉल आया हूँ, लेकिन मैं इस जगह पे नहीं आया था, तो आज इसने इन लोगों ने बताया कि ये भी है यहाँ पे पानी वगैरह एंजॉय करने के लिए, तो मैंने खुद भी रास्ता मेरे माइंड में नहीं था, पता नहीं यहाँ वहाँ से पूछ पूछ के गाड़ी यहाँ पे पहुँचा, इन लोगों को पहुँचाया, लेकिन यार बहुत ही अमेजिंग पुल है, इतना ठंडा और मीठा पानी है ये, इस गर्मी में तो बस दिल बंदे का यही करता है कि ऐसे पानी में होके फ्रेश बस तैयार हो जाए। पानी आप लोग भी आ जाओ, इतना मजा आ रहा है यार, मैं नहीं आ रहा गर्मी का, इन लोगों की बहुत रिक्वेस्ट है मैं आ जाऊँ, लेकिन यार मैं कपड़े वगैरह नहीं लाया एक्सचेंज के लिए, कैसे आऊँगा? सब बस बेटा, बहुत बढ़िया। अभी लकी तो लगे पड़े हैं गाड़ी धोने के लिए, लकी तो स्नान कर,
फ्रेंचती बारी निकलना थी ना यार। हाँ अभी देखो लकी कैसे गाड़ी को चमका रहे हैं, पूरा गाड़ी को चमका रहे हैं। उसने बहुत ख़राब कर दिया यार गाड़ी, ये इसने ख़राब की थी इसीलिए धो रहे हैं। ऐसा नहीं समझना कि ये मेहनत कर रहा है, इसने ख़राब की थी, मैंने बोला गाड़ी कच्चे में ख़राब हुई है धो के दो, अभी इसीलिए धो रहे हैं ये। तो फाइनली गाइस बहुत इंजॉय कर लिया और ये लोग फ्रेश भी हो गए। अभी बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी और मुझे तो लगी भूख, अभी वापसी निकले फिर से एक बार बैठ गया लकी स्टिंग भी, अभी अल्लाह खैर करे। बस भाई हमने लकी को बोला चलो भाई, इसने बोला हाँ मैं चलूँगा गाड़ी साफ़ करूँ, लेकिन इसने गाड़ी साफ कर दी, फिर इसने बोला मैं नहीं चल रहा। ये लकी ने गलत कर दिया क्योंकि लकी ने बोला था कि मैं फ्रेश हो रहा हूँ इसीलिए हम निकले। इस वजह से हम तो अंदर गए स्विमिंग के अंदर। हाँ और लकी इन लोगों को डुबा के खुद अंदर डुबा ही नहीं, इस वजह कहते हैं शांत पट्टी। अभी तो हम जा रहे हैं वापसी, उम्मीद है मेरा ये ब्लॉग आपको पसंद आया होगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और मेरी वीडियो को इतना शेयर करें। ये पूरे 400 मुल्क की पुलिस भी मुझे ढूंढे ना, लेकिन मैं उसको